इस वीडियो में आप सीखेंगे कि बुलनोज रंधे और पतामी रंधे का प्रयोग कैसे किया जाता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि बुलनोज रंधा और पतामी रंधे का प्रयोग कैसे किया जाता है। संयुक्त बुलनोज और पतामी रंधे में दो रंधे होते हैं जिसमें ऐसे ब्लेड होते हैं जो लकड़ी के आखिरी किनारों तक लकड़ी छिलते हैं। रिबेट या रैबिट रंधा हाथ का रंधा है जिसे सीढ़ी नुमा खाचों को काटने के लिए बनाया गया है, जैसे पताम, जीप और छोटे टेनन। बुलनोज रंधा पतामी रंधे के समान होता है, लेकिन इसमें आगे एक छोटा हिस्सा होता है जो कोने या रोक तक रंधा करता है। जिन उपकरणों की आपको आवश्यकता होगी वे है पेंसिल, मार्किंग गेज, संयुक्त बुलनोज और पतामी रंधा, चौरसी, मैलेट, शिकंजा और फुटा। जिन मटेरियल की आपको आवश्यकता होगी वे हैं और कुछ बेकार लकड़ियां। इस साधारण संयुक्त रंधे में पीछे की ओर पतामी रंधा और आगे की ओर बुलनोज रंधा होता है। पतामी रंधे में ब्लेड एक लिवर कैप द्वारा पकड़ा जाता है जिसे छोटे पेच की सहायता से नियमित किया जाता है। ब्लेड और लिवर कैप एक साधारण चपटे सिर वाले पेच की सहायता से अपनी जगह पर रहते हैं। ब्लेड में पीछे की ओर कुछ खांचे होते हैं जो गहराई नियमित करने वाले लिवर के सिरे पर दांते वाले उम्बिंद पेयों के साथ मिलते हैं। ब्लेड की गहराई को नियमित करने के लिए लिवर को ऊपर खींचा या नीचे धक्का दिया जा सकता है। पताम की चौड़ाई को सेट करने के लिए एडजस्टेबल फेंस को रंधे के किसी भी साइड जोड़ा जा सकता है। रेशों के विपरीत रंधा करने के लिए साइड पर लगे तीन कांटों का प्रयोग किया जा सकता है जो कटर के सामने लकड़ी के रेशों को काटते हैं ताकि पताम को एक साफ फिनिश मिल सके। एक निश्चित गहराई से अधिक काटने से रोकने के लिए रिमूवेबल डेथ गेज रंधे को लॉक करता है। ब्लेड रंधे की बॉडी से थोड़ा अधिक चौड़ा होता है ताकि यह कोने के आखिर तक काट सके। रंधे के पीछे अपने प्रमुख हाथ से हैंडल पकड़े और स्थिरता के लिए नीचे की ओर हल्का दबाव डालते हुए दूसरे हाथ का प्रयोग करें। उल्टी दिशा में रंधा करने के लिए अपने हाथों के कार्यों को आपस में बदलें। आमतौर पर रंधे की साइड को पताम की दीवार के पास बड़ी सतह के साथ रखना अधिक सही रहता है। पताम बनाने के लिए पहले उस जीरी की चौड़ाई का निशान लगाने के लिए मार्किंग गेज का प्रयोग करें जिस पर रंधा करना है। पेंसिल की सहायता से निशान गहरा करें। रंधे को थोड़ा तिरछा करें और सहारा देने के लिए रंधे के कोने को निशान पर रखें। वी आकार के अंदर ब्लेड के कोने को रखते हुए वांछित गहराई तक जाने के लिए रंधे को सीधा पकड़ते हुए काम करना आरंभ करें। रंधे पर बुलनोज का प्रयोग करते समय बंद पताम के सिरे तक काम करते हुए इसी प्रकार से दोहराएं। सिरे को साफ करने के लिए चौरसी का प्रयोग करें। बुलनोज रंधे में ब्लेड को नियमित करने के लिए आप छोटे पेच का प्रयोग कर सकते हैं और ब्लेड के ऊपर हल्के से चोट कर सकते हैं जब तक यह सही से छिलने न लगे। किसी भी पतामी रंधे को ठीक करने का उपाय है ब्लेड को तले और रंधे के उस साइड के साथ एक सीध में मिलाना जो संदर्भ साइड के साथ संपर्क में रहती है। यह करने के लिए ब्लेड को ढीला करें और रंधे की साइड को एक चपटी सतह पर रखें। ब्लेड पर दबाव डालें और उसकी जगह पर इसे कसें। अब आपने बुलनोज और पतामी रंधे का प्रयोग करना सीख लिया है।